ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है, मामले की जांच अब और तेजी से की जा रही है। सोनाली फोगाट की हत्या मामले पर, सोनाली फोगाट की मौत मामले पर हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं, जहां अब सोनाली फोगाट का जो शव है वो भी परिजनों को सौंप दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सोनाली का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, क्योंकि शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और आगे की रिपोर्ट के लिए जो सैंपल्स हैं वो रख लिए गए हैं, और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सोनाली के शरीर पर, उनकी बॉडी पर चोट के निशान पाए गए हैं, साथ ही जहर होने की भी संभावना जताई जा रही है। और आज रात जो शव है सोनाली फोगाट का, परिवार उसको दिल्ली लेकर पहुंचेगा और उसके बाद हिसार के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, सोनाली फोगाट मामले में सोनाली की बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सोनाली फोगाट मामले में हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान पाए गए हैं, जहर देने की संभावना जताई गई है, उसके आधार पर ये जो मामला है, ये जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। और शक के घेरे में दो लोग हैं, जिनमें सुधीर सांगवान जो कि पीए है सोनाली फोगाट का, और दूसरा सुखविंदर। इन दोनों लोगों पर शक जो है इनके इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो जांच है वो कितनी आगे पहुंचती है। हालांकि सीबीआई जांच की मांग भी अब इस मामले में उठने लगी है। आपको बता दें कि परिवार वालों की तरफ से ये मांग होने लगी है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि अब परिवार जो है सोनाली की बॉडी को लेकर रवाना हो चुका है, और हरियाणा सरकार ने भी ये साफ कह दिया है कि आपको जिस भी तरह की मदद चाहिए होगी सरकार पूरा सहयोग करेगी। मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल परिवार वाले जो हैं वो बॉडी को लेकर रवाना हो गए हैं। इधर दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, साथ ही सुधीर से जो पीए था, शक की सुइयां जिस पर सारी जिसके इर्द गिर्द हैं, उससे जांच जो है, पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे अहम बात यही है कि इस मामले में अब सुधीर पर जो शक की सुई थी उसी को ही लेकर आगे गोवा पुलिस बढ़ी है, और अब मुकदमा दर्ज हो गया है दोनों लोगों के खिलाफ, और पुलिस उन्हें पहले से ही उन्हें हिरासत में लिया हुआ था। हालांकि पुलिस ने अपनी आधिकारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है दोनों को ही हिरासत में पहले विधिवत जो है वो गिरफ्तारी उनकी दिखाई जाएगी, और फिर उनका रिमांड भी जो है वो मांगा जाएगा कि जिसमें आगे कोई तथ्य जुटाए जाएंगे कि किस प्रकार से जो हत्या हुई, जैसा कि बताया गया कि उसके जो सोनाली के फोगाट के शरीर पर चोटों के निशान है और कुछ जहर देने की बात भी ऐसी कहा जा रहा है, तो ऐसे में तमाम बातें होंगी, किस प्रकार का जहर था, जहर कहां से लाया गया, क्या कुछ चोटें किस प्रकार से लगी, क्या बहस हुई, क्या मुद्दा था, तमाम बातें जो गोवा में हुई है उस रात को, उन तमाम चीजों को, तथ्यों को खंगाला जाएगा, और गोवा पुलिस निश्चित रूप से उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। अब आगे परिवार की बात है, परिवार अपना रवाना हो गया है उनका, और पार्थिव शरीर लेकर, और वो हिसार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो तमाम बातें दूसरे जो आरोप हैं उनकी जांच हरियाणा पुलिस किस प्रकार से करती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि चार पेज की तहरीर में तमाम तरह के जो आरोप थे वो 3 साल पुराने हैं। जब सोनाली ने चुनाव लड़ा था आदमपुर से, उस समय ही सुधीर सांगवान आकर उनसे जुड़ा था। रोहतक का रहने वाला ये शख्स सोनाली के जीवन में आया और पीए के रूप में भूमिका निभाने लगा, साथ साथ सुखविंदर उप सुखी भी आया, और उसने भी जो लगातार ये लोग बने हुए थे, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर, तो तमाम चीजें हैं अभी जांच के दायरे में आ गई हैं। फिलहाल जो है गोवा पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया, और इनसे उसी हिसाब से ही हत्या के पूरे प्रकरण के रूप में उनसे पूछताछ की जाएगी। जी
अमित, ये पूरा मामला जो है जिसका खुलासा अब हो रहा है, ये तो सुर्खियों में आ गया है, लेकिन जिस तरह से परिवार वालों ने बताया है कि ये पहले से चला आ रहा था, पहले से ही ब्लैकमेलिंग हो रही थी, क्या घूम फिरकर सवाल ये नहीं उठ रहे कि समय रहते ब्लैकमेलिंग के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज कराया गया? या सोनाली फोगाट, क्योंकि एक पार्टी के साथ भी जुड़ चुकी थी, एक मजबूत नेता के तौर पर थी और उनकी पहचान एक अलग थी, ऐसे में भी उनकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज ना कराना और लगातार ब्लैकमेल होते रहना? जी बिल्कुल सृष्टि, यह आपका सवाल जायज है और यह सवाल जो है इस बात पर चर्चा हरियाणा न्यूज लगातार कर भी चुका है और आज भी प्रमुख रूप से इसलिए चर्चा जरूरी हो गई है क्योंकि जो परिवार जिन्होंने उंगली उठाई थी, जो शक किया था, उसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज हो गया है, अब ऐसे में सवाल उठता है कि मैं आपको बता दूं कि सोनाली का पुराना जो नाम था वो सुदेश था और उसे देसा के नाम से जाना जाता था और वो दिलेर थी और दबंग थी। उसकी सोनाली फोगाट की दबंगी जो है वो आदमपुर में देखने को मिली थी और जब मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की जूतों से पिटाई की गई, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सुधीर सांगवान उसे उसके साथ जो रेप का उस पर आरोप लगाया गया, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया, तो क्या दबंग जो एक नेता के रूप में वो उभर रही थी सोनाली, वो सुधीर सांगवान से किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग उसे किया जा रहा था? ये तमाम बातें हैं, अभी इन पर पर्दा डला हुआ है। परिवारजनों ने उस समय क्यों नहीं आपत्ति उठाई, क्यों नहीं उस समय इस मामले को पुलिस के सामने लेकर गए, यह भी सवाल है। इन सवालों की भी जांच जरूरी है कि परिवार की चुप्पी क्यों रही, क्या वो सोनाली के जीवन में सोनाली उनका दखल नहीं चाहती थी, क्या वो उनको एक एक जगह बयान यह भी सुना गया, परिवारजनों ने ही कहा कि सोनाली से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था और सुधीर सांगवान अड़चने पैदा किया करता था, सोनाली फोन पर कहा करती थी कि खीर दी गई, उसमें कुछ कुछ अजीब सी चीज थी, मुझे ये दिक्कत आई, तो वो सब सब बातें, तमाम बातें अगर एक साधारण, आपने ठीक कहा कि एक दबंग नेता को इस तरह से ब्लैकमेल किया जाना, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमित ये हो सकता है कि सोनाली फोगाट को डर हो बदनामी का, कहीं किसी तरह की बदनामी उनकी ना हो जाए, जो करियर अभी पीक पे है वो कहीं ना कहीं नीचे ना गिर जाए। बिल्कुल सृष्टि, कहीं ना कहीं डर रहता है, लेकिन जब परिवारजन अब जो खुलकर सामने आ रहे हैं वो उस समय भी आ सकते थे, क्योंकि 2021 में एक और अहम बात है सृष्टि, वो भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, सोनाली फोगाट की ओर से अपने छोटे जो अपनी उनके बहनोई थे यानी उनके जीजा और उनकी बहन पर भी उसने आरोप लगाया था मारपीट का, एक इस समय इस सिलसिले में एक शिकायत भी दी गई थी, तो लगातार विवादों से नाता था सोनाली का और उसी विवाद के तहत ही 2021 में भी एक चोरी का मामला भी सामने आया था, सोनाली के आवास से चोरी हुई थी, उस समय भी अब परिजन बोल रहे हैं कि सुधीर सांगवान ने जो चोरी करवाई थी, तो क्या कुछ ऐसे तथ्य थे जो लगातार इस प्रकार की बातें आ रही थी लेकिन पुलिस में नहीं जा पा रही थी, हालांकि वो कभी कई बार जन समस्याएं सुनती थी, पुलिस के से जुड़े हुए मामले भी वो लोगों के सुलझाया करती थी, इस प्रकार के उनका जीवन रहता था, आदमपुर में जाती थी, सभी तमाम तरह के विभागों के संबंधित वो शिकायतें सुना करती थी, तो अपनी ही शिकायत, अपनी ही पीड़ा क्यों नहीं रख पाई सोनाली लोगों जो शासन प्रशासन के समक्ष, ऐसी क्या मजबूरियां रही, ये तमाम बातें जो है वो जांच का हिस्सा है और ये, लेकिन इस जांच में जैसा कि मौका जो देखा जाता है, पुलिस जांच करती है अपने अपनी सीमा क्षेत्र में, हरियाणा का यह मामला था, तहरीर में जो 4 पेज दिए गए हैं उनमें 3 पेज जो है वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, एकमात्र पेज जो गोवा से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर जांच गोवा पुलिस करेगी, 3 पेजों का मसला हरियाणा में जुड़ता है, हिसार में जुड़ता है, अब ये देखने वाली बात होगी कि हिसार पुलिस और गोवा पुलिस दोनों मिलकर किस प्रकार से जांच को आगे बढ़ाती है या कोई केंद्रीय जांच एजेंसी इसमें अपनी भूमिका निभाने आगे आएगी, तो यह तमाम बातें। क्या माना जाए, क्या परिवार वालों की तरफ से हरियाणा में भी हिसार में भी ये जो मामला है, ये जो मुकदमा है वो दर्ज करवाया जाएगा? जी निश्चित रूप से, एक और अहम बात मैं यहाँ सृष्टि बताना चाहूंगा कि आज एक परिवार की ओर से यानी कि सोनाली के भाई वतन ढाका की ओर से एक शिकायत और आज हिसार पुलिस को दी गई थी, हालांकि ऐसा कहा गया है कि वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, उसमें डीवीआर और लैपटॉप चोरी का आरोप लगाया गया सुधीर सांगवान पर भी और उसी से एक उसी जो कंप्यूटर ऑपरेट करता था लड़का उसके ऊपर, जिसका नाम शायद शलभ बताया गया है, तो उन दोनों की अभी ये बात भी होगी कि जब जो पुराने जो आरोप हैं
क्या उनके उप उनको लेकर भी सुधीर सांगवान पर मुकदमा दर्ज होगा? ये तमाम बातें हैं, और बिल्कुल तमाम बातें तमाम यह भी है सवाल भी उठ कि रहे हैं। अमित, आपको रोक रही हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, उस खबर का रुख कर लें, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें क्या है, गोवा के आईजी का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा के आईजी का बड़ा बयान, सुधीर सांगवान और सुखविंदर से पूछताछ जारी है, वो कह रहे हैं सबूत मिलने पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। देखिए पूछताछ हो रही है और जल्द ही सबूत भी अगर मिल जाते हैं तो जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। गोवा के आईजी का ये बड़ा बयान, सुधीर सांगवान और सुखविंदर से पूछताछ जारी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोवा में ही ये पूछताछ चल रही है क्योंकि ये जो केस है, ये जो वारदात है, ये गोवा में हुई है और अब ऐसे में पूछताछ भी गोवा में ही होगी, जांच भी गोवा में होगी इन दोनों लोगों से, सुधीर और सुखविंदर। ये दोनों उस दौरान गोवा में मौजूद थे, ये मौजूद थे उस जगह पर जहां पर सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई है और ऐसे में अब इनसे पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कहा जा रहा है कि सबूत मिलने पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा के आईजी का बड़ा बयान, अमित आईजी का बयान आ गया है गोवा के, कह रहे हैं कि पूछताछ कर रहे हैं, सबूत अगर मिल गए तो जल्द ही गिरफ्तारी भी कर लेंगे। ये निश्चित रूप से यह प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है और मुकम्मल रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन अभी जांच का हिस्सा है, पूछताछ जो शुरुआती दौर में होती है वो की जाएगी। दोनों एक तरह से पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जो है वो घोषित नहीं की है, हो सकता है कि बाद में इनकी गिरफ्तारी कर भी ली जाए और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करके उन्हें उनका रिमांड भी, पुलिस रिमांड भी मांगा जाएगा और तमाम जो बातें हैं, तमाम जो आरोप हैं उनको लेकर खुलासे होंगे। अभी फिलहाल पुलिस ने अपने स्तर पर जो जिस होटल में दो कमरे बुक करवाए गए थे, एक होटल सुखविंदर सुखविंदर के नाम पर बुक था कमरा, और दूसरा जो कमरे में सोनाली और सुधीर सांगवान रुके हुए थे, ऐसी बात कही गई है, सूत्र बताते हैं। अब देखने वाली बात होगी, उस कमरे की जांच करवाई जाएगी, उसकी जो तमाम फुटेज है वो निकलवाई जाएगी, तमाम बातें हैं उनको सबूतों की कड़ी जोड़ा जाएगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी और उसके बाद जो है जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एक गंभीर बात और भी इस दृष्टि में यहाँ बताना चाहूंगा कि उनके परिवारजनों की ओर से यह भी कहा गया कि फिल्म का बहाना था, उन्हें ले जाया ही हत्या के लिए गया था, तो ये सवाल बड़ी बात पूछा यह भी आई। अमित आपसे, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था शूटिंग हो रही है, शूटिंग के लिए गए हैं, लेकिन अब बातें उस तरह की सामने नहीं आ रही हैं, वो महज एक बहाना किया गया था। जी निश्चित रूप से यह बहानेबाजी की जो आरोप है वो भी परिवारजनों ने लगाए हैं, लेकिन एक एक बात और भी है सृष्टि में यहाँ जरूर साझा करना चाहूंगा। दरअसल जो पहली जब मौत के बाद उनकी बहन ने बयान दिया था मीडिया में, उस समय सोनाली ने भी यह कहा था कि 27 तक मैं व्यस्त हूं और 27 को लौटूंगी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ खराब है, खाने में कुछ मिलाया गया है, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। अब देखने वाली बात है कि उनको किस बहाने से वहां ले जाया गया, ये सब तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको रिमांड पर लेकर दोनों को, उसके बाद जो है कुछ चीजें सामने आएंगी, और अभी पोस्टमार्टम के बाद परिवार जो संतुष्ट है और बॉडी ले गया। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लगा अपना बयान दिया है कि तमाम जो है वो जांच जो है वो मुकम्मल करवाई जाएगी, किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं बचेगा और विस्तृत जांच है। और आपसे आपसे ये भी अपडेट लेना चाहूंगी अगर इसकी जानकारी मिल पाई हो, क्योंकि कहा जा रहा था शूटिंग है, तो क्या सुखविंदर और सुधीर के अलावा वहां पर क्या कोई क्रू मेंबर भी मौजूद थे जो शूटिंग करवाने के लिए पहुंचे हो या ऐसा कुछ, इस पर जानकारी लूंगी। लेकिन उससे पहले तस्वीरें दर्शकों को ये दिखा दें, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब सोनाली फोगाट का जो शव है वो परिजनों को सौंपा जा रहा था। देखिए पोस्टमार्टम यहां पर हो चुका है सोनाली फोगाट का, और अब क्योंकि उनके शव को लेकर जाना है राज्य से बाहर, लेकर जाना है गोवा से बाहर, पहले दिल्ली लेकर जाना है, उसके बाद हिसार लेकर जाना है, तो उसके उसके हिसाब से उसके लिए जो है अब परिवार को ये शव जो है वो सौंप दिया गया है। अमित सृष्टि, आपने जो सवाल पूछा वो जायज है, उसमें मैं जरूर एक बात ये कहना चाहूंगा कि सोनाली फिल्म स्टार नहीं थी,
सोनाली पहले सोशल मीडिया में टिकटॉक के जरिए अपना प्रचार किया करती थी, टिकटॉक स्टार थी, उसके बाद सोशल मीडिया में उसके फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर्स उससे जुड़ते चले गए, तो ऐसे में कोई बड़ी शूटिंग की कोई बात ऐसी हो नहीं सकती थी। ये हो सकता था कि जो लोग गए वो ही वीडियो शूट करते, तो ऐसे में दो के अलावा तीसरे की किसी की बात अब तक सामने नहीं आ रही है। हाँ। और जो आजकल जो जो शूटिंग वो करते जो सोशल मीडिया पे शूटिंग की जाती है वो एक मोबाइल से भी की जा सकती है, तो ऐसे में कोई बड़ी टीम उनके साथ नहीं थी, दो ही लोग थे। अमित रोक रही हूँ क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है इसी मामले से जुड़ी, क्या अपडेट है आपको बता दें। सीएम का सोनाली फोगाट के मामले पर बयान सामने आया है, मुख्यमंत्री का सोनाली फोगाट मामले पर बयान, गोवा सीएम को इस मामले में फोन किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को भी इस मामले में फोन किया गया था, गोवा के मुख्यमंत्री को भी फोन किया गया था। सीबीआई जांच पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि परिवार के लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, अगर वो लिखकर दे देंगे तो हम आगे का प्रोसेस भी करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं बिस्तरा की जांच वहां भी होगी, सीएम मनोहर लाल ने कहा है, चंडीगढ़ में भी जांच के लिए लाया जाएगा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी लाया जाएगा जांच के लिए। सीएम का सोनाली फोगाट के मामले पर यह बयान आया है, वो कह रहे हैं मामले की जांच हरियाणा में भी होगी और चंडीगढ़ तक पहुंचेगी ये जांच। अमित, मुख्यमंत्री का बयान, चंडीगढ़ तक पहुंचेगी जांच। अमित आप बने हुए हैं हमारे साथ? बिल्कुल सृष्टि, सृष्टि मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल जी अमित। सृष्टि सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से शुरू से ही लिया है। पहले प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धरखड़ ने पहले दिन ही गोवा के प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे बातचीत की थी और तमाम जो परिवार को सहयोग करने की बात कही थी। अब मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को कह रहे हैं और गृह मंत्री अनिल विज की ओर से भी दोपहर में बयान आया था कि इस मामले में जो भी अगर परिवार जहां भी संतुष्ट होगा वो जांच करवाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि गोवा के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से बातचीत हुई थी और पूरे निर्देश दे दिए गए हैं विस्तृत जांच के लिए, अगर कहीं परिवार संतुष्ट नहीं होता तो चंडीगढ़ में भी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। किसी न किसी रूप में कोई भी शक शुभा किसी प्रकार का सरकार भी रखना नहीं चाहती और इसीलिए इस को मामले को पूरा गंभीरता से लिया जा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा गया था कि पूरे मामले की जो जांच है वो डीजीपी मॉनिटर कर रहे हैं, तो ऐसे में ना ही तो गोवा पुलिस और न ही हरियाणा सरकार, न ही गोवा सरकार किसी प्रकार की चूक रख रही है। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए दो सदस्यीय कमेटी गठित कर दी और बाकायदा आज वह कमेटी कंचन खट्टर के नेतृत्व में वो सदस्यीय कमेटी वहां पहुंची थी और सोनाली के भाई से बातचीत की थी, उनके जीजा से बात की थी, एक घंटा तक वार्तालाप हुई और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे वो भी जुटाए। तो किसी प्रकार की जांच में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार के सहयोग में कोई कमी नहीं है, दोनों ही तरफ से सरकारों का पूरा सहयोग इस मामले में सृष्टि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा में भी अब विसरा जांच करवाने की बात तक मुख्यमंत्री कह चुके हैं। अमित, जिस तरह से इस मामले में लगातार अपडेट भी एक के बाद एक सामने आ रही है और हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये हाई प्रोफाइल जो है वो मामला बन चुका है और खुद एक पार्टी से क्योंकि सोनाली फोगाट जुड़ी रही है, तो ऐसे में इस तरह का एक्शन लेना और इस मामले पर पूरा फोकस करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी अमित बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। निश्चित रूप से सृष्टि, सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार गोवा में है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, हरियाणा में भी है और भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट, तो ऐसे में मामला अपने आप में ही हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए और उसके बाद भी विपक्षी दलों ने लगातार निशाना साधा है। उदय भान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनकी तरफ से बयान दिया गया, तमाम दूसरे नेताओं विपक्ष में ही अगर बात करें तो इनेलो के जो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भी कहा कि इस मामले में अब तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, तो तमाम लोगों ने आरोप लगाए। उसके बाद सरकार ने अपने गंभीरता से तमाम कदम उठाए हैं
उनके कदमों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जैसे स्वयं बात की गोवा के मुख्यमंत्री से, उसके बाद जो है परिवार की सहमति बनी। एक दिन लेट भी परिवार की वजह से इसको कहा जाएगा कि वो अड़े हुए थे कि 302 का मुकदमा जो है वो पहले दर्ज होना चाहिए, लेकिन जो सरकार थी, जो पुलिस प्रशासन था, वो चाहता था गोवा का कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए, उसकी रिपोर्ट आए, उसके बाद जो है वो जो आगे बढ़ा जाए हत्या के मुकदमे के मामले में। अस्वाभाविक मौत का मामला पहले दिन ही गोवा पुलिस ने दर्ज कर लिया था, तो ऐसे में कोताही की बात नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जांच की दिशा किस ओर बढ़ती है, तमाम कोणों से जांच होगी। जी, इस मामले को मैं आपसे इस तरह से भी समझना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये पहले से ही प्री प्लान बताया जा रहा है, पहले से ही इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। वजह क्या रही होगी कि हरियाणा से गोवा में लेकर आकर इसको अंजाम देना, इस वारदात को अंजाम देने की? जी निश्चित रूप से सृष्टि, यह महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार गोवा में क्यों ले जाया गया। एक बात और भी है जो परिवार के सदस्यों ने कही है कि चंडीगढ़ में थी सोनाली, उसके बाद अचानक एकाएक प्रोग्राम बना गोवा जाने का और वो गाड़ियां उन्होंने बल्लभगढ़ में। आप इस बात को पूरा करिएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का मैं रुख कर लूं। तो बता दें कि एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी अपडेट आपको, सोनाली के भाई रिंकू का बयान सामने आया है। सोनाली के भाई रिंकू का बयान, मैंने जो कहा था सच कहा था। देखिए, सोनाली के भाई ने कहा है कि मैंने जो कहा था सच कहा था, सोनाली की हत्या की गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साफ हो गया है। सोनाली के भाई रिंकू का बयान, उन्होंने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, पहले ही सच जाहिर किया था, और जो मैंने कहा था वो सच कहा था, ये पोस्टमार्टम से भी साफ हो गया है। क्या कहना है आपको? 302 में मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ, बिल्कुल कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो न्याय की एक उम्मीद थी, उसका एक पड़ाव जो है आप लोगों ने पार कर लिया है। बिल्कुल जी, उसके लिए मीडिया का भी, और मीडिया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का सबसे ज्यादा, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस चीज में, और मेरी बहन को न्याय जरूर जो हमने कंप्लेंट रिटर्न में दी थी वो ही FIR दर्ज हुई है एज इट इज से। तो गिरफ्तारी की जो बात है, गिरफ्तार कर लिया गया दोनों, वो आपको यहाँ का पुलिस प्रशासन। तो अभी जो कुछ जानकारी मिली है पोस्टमार्टम के दौरान भी, कोई इंजरी थी? हाँ बिल्कुल, उसमें मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी आई है, उसमें बॉडी पे 4-5 जगह मेजर इंजरी है, तो इंजर्ड है शरीर, और बाकी डॉक्टर से भी बात करते हैं। इसके अलावा जो आरोप आप लोग लगा रहे थे कि जहर दिया जा सकता है या नशे की ओवरडोज, तो उसमें भी कुछ स्पष्ट हो पाया कि क्या जहर दिया गया था? बिल्कुल, उनको इंजर्ड भी पूरा किया गया है और सब कुछ है उसमें, जो मैंने रिटर्न में रिपोर्ट दी है उसमें कोई झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई है, और उसी के बेस पे केस चलेगा। तो क्या कहना है आपको? 302 में मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ बिल्कुल कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो न्याय की एक उम्मीद थी, उसका एक पड़ाव जो है आप लोगों ने पार कर लिया है। बिल्कुल जी, उसके लिए मीडिया का भी, और मीडिया इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का सबसे ज्यादा, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस चीज में, और मेरी बहन को न्याय जरूर जो हमने कंप्लेंट रिटर्न में दी थी वो ही FIR दर्ज हुई है एज इट इज से। तो गिरफ्तारी की जो बात है, गिरफ्तार कर लिया गया दोनों, वो आपको यहाँ का पुलिस प्रशासन। तो अभी जो कुछ जानकारी मिली है पोस्टमार्टम के दौरान भी, कोई इंजरी थी? हाँ बिल्कुल, उसमें मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी आई है, उसमें बॉडी पे 4-5 जगह मेजर इंजरी है, तो इंजर्ड है शरीर, और बाकी डॉक्टर से भी बात करते हैं। इसके अलावा जो आरोप आप लोग लगा रहे थे कि जहर दिया जा सकता है या नशे की ओवरडोज, तो उसमें भी कुछ स्पष्ट हो पाया कि क्या जहर दिया गया था? बिल्कुल, उनको इंजर्ड भी पूरा किया गया है, और सब कुछ है उसमें, जो मैंने रिटर्न में रिपोर्ट दी है उसमें कोई झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई है, और उसी के बेस पे केस चलेगा। तो सोनाली फोगाट के भाई को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा था उसी के आधार पर अब मामला दर्ज हुआ है और वो सच निकला। फिलहाल खबर पर जानकारी देने के लिए अमित भी मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया अमित आपका भी जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते